नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। अक्षय तृतीया के दिन इसे घर लाना ना भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ हर तिथि त्यौहार, शुभ मुहूर्त और उनमें किए जाने वाले कार्यों का बहुत अधिक महत्व होता है और कुछ तिथियों को तो बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, जैसे कि अक्षय तृतीया। जी हाँ, इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की और श्री हरि नारायण जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन आप कुछ विशेष वस्तुएं अपने तिजोरी में रखते हैं तो आपको अक्षय धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव निवास होता है और आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तब उस समय उनके साथ कुछ विशेष चीज़ें समुद्र से निकली थी, जिस कारण माता लक्ष्मी जी को ये चीज़ें अत्यंत प्रिय है और जहाँ पर ये वस्तुएं स्थापित की जाती है वहाँ माता लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी विशेष वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप अपने घर ले आते हैं तो माता लक्ष्मी जी निवास करेंगी। ये बहुत ही दुर्लभ होता है, किंतु अगर आप इनमें से कोई एक भी चीज़ लेकर आते हैं तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपका भाग्य अवश्य ही चमकेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वो विशेष चीज़ें हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मत भूलना जय माता लक्ष्मी लिखना। दोस्तों, पहली चीज है श्रीफल। आपको बता दें कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। यहाँ किसी साधारण नारियल की हम बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एकाक्षी नारियल की बात कर रहे हैं। वैसे साधारण नारियल में 3 आंखें होती है, पर यदि आपको ऐसा नारियल मिल जाए जो एकाक्षी हो तो समझ जाइए कि आपका भाग्य चमकने वाला है। इस एकाक्षी नारियल को आपको लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके एकाक्षी श्रीफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी चीज है श्री यंत्र। माना जाता है कि श्री यंत्र में माता लक्ष्मी जी के साथ 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। ध्यान रखें कि बाजार में आपको प्लास्टिक के कई सारे नकली श्री यंत्र मिल जाएंगे जिनका प्रभाव निष्फल होता है। आपको असली श्री यंत्र जो कि सोने या फिर चांदी का बना होता है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ तैयार किया जाता है, ऐसे श्री यंत्र को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर की तिजोरी या फिर दुकान के गल्ले में स्थापित करें। इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपको धन की वृद्धि होगी। अगली चीज है लक्ष्मी जी की कौड़ी। जैसे कि आपको हमने बताया कि समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी जी के साथ साथ कई सारे वस्तुएं निकले थे, उनमें से कौड़ी भी है, तो अक्षय तृतीया के दिन आपको पीली कौड़ी का पूजन करना है, जिन्हें लक्ष्मी कौड़ी भी कहा जाता है। इन कौड़ियों की पूजा करने से बाद में आपको इन्हें तिजोरी में, पर्स में या फिर धन रखने वाले जगह पर रख देना है। इनके प्रभाव से आपके जीवन में धन से संबंधित सभी मुश्किलें धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगली चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र भी आप जरूर लेकर आए अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों, गोमती चक्र जहाँ होता है माता लक्ष्मी जी बहुत ही शुभ फलदायी होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप गोमती चक्र को माता लक्ष्मी जी के और श्री हरि नारायण के चरणों के पास रखकर फिर इसे तिजोरी में स्थापित करें तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, कई हजार गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अगली चीज है केले के पेड़ की जड़। दोस्तों, केले की पेड़ की जड़ को अक्षय तृतीया के दिन आप लेकर जरूर आएँ। पहले तो आप जाएँ और वहाँ पर केले की जड़ को आप यानी खोद कर उसे बाहर निकाल लें और फिर अच्छी तरह से जल से धोकर उसमें गंगा जल छिड़के थोड़े से हल्दी का टीका लगा दें। फिर इस जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर भगवान विष्णु जी के सामने चरणों में रख दें और फिर इसे तिजोरी में अक्षय तृतीया के दिन रख दें, जहां धन पेटी रुपया पैसा रखते हैं। केले की जड़ से आपका घर सदैव धन से भरा रहेगा, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के योग भी जल्दी बनेंगे, तो केले की जड़ जरूर आप लेकर आएँ। साथ ही साथ गुलर की जड़ बहुत पवित्र होती है, इसे अक्षय तृतीया के दिन अपने घर लेकर आएं और स्थापित करें तो ये बहुत ही शुभ होता है। जहाँ पर गुलर की जड़ होती है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती हैं,
तो अक्षय तृतीया के दिन गुलर की जड़ लाने से आपके घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती, धन आपका हमेशा, घर आपका हमेशा धन से भरा रहता है। आंकड़े का पौधा बहुत ही शुभ होता है, कहते हैं कि अगर आपको घर में आंगन में ये पौधा हो तो आपके घर में किसी भी की बुरी नजर नहीं लगेगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको सफेद आंकड़े के पौधे की जड़ को पूजन विधि के बाद अपने तिजोरी में रख देना है, इससे आपके धन संबंधित जितने भी मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आंकड़े की जड़ जरूर लेकर आए, मदार की जड़। दोस्तों, मोती शंख भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है, माता लक्ष्मी के साथ हुआ है, इसलिए आप इसे लेकर आए और ये पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। दोस्तों, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, आपको जीवन में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, इस शंख को जरूर लेकर आए। अक्षय तृतीया के दिन माता के चरणों में आप इसे स्थापित कर दें और उसके बाद आपके जीवन में सुख और वैभव का आगमन तेजी से होगा। अगली चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप कहीं पर भी ये चीज मिल जाए तो आप इसे छोड़ना मत, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, ये दुर्लभ चीज है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हता जोड़ी, जी हाँ, जंगली पौधा है, डंडी होता है जो बहुत ही महत्व रखता है, जंगल में पाई जाती है। तो हता जोड़ी, इसमें फूल जब गिर जाते हैं तो सूख जाती है, इसकी डंडी जरूर लेकर आए। हालांकि ये आपको मिलेगी नहीं, इसलिए आप तुलसी की जड़ लेकर आए, ये भी बहुत शुभ होता है। आप कुछ लेकर आए ना आए, लेकिन आप केले की जड़ या फिर गुलर की जड़ जरूर लेकर आए, बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी की तस्वीर कौड़ी लेकर आए और धनिया एक मुट्ठी लेकर आए, धनिया भी बहुत ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी को प्रिय होती है, इसलिए धनिया एक मुट्ठी लेकर आए, आपका घर सदैव भरा रहेगा धन धान से। हालांकि दोस्तों, धनिया आसानी से मिल जाएगी लेकिन हता कौड़ी मुश्किल, इसलिए आप धनिया लेकर आए। दोस्तों, ये थी कुछ विशेष वस्तुएं जो अक्षय तृतीया के दिन आपको लेकर आना है और तिजोरी में आपको रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।